अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। संडे का दिन है और सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ। बस अब रेडी हो के तो बस होटल के निकल रहा हूँ, फिर जाके देखते हैं। बस अब रेडी हो चुके हैं, अब बस होटल के निकल रहा हूँ और आज जाके हम नाश्ता करेंगे आलू वाले परांठों का। इतवार का दिन है, बस अब निकल रहा हूँ घर से। बस घर से निकल रहा हूँ, बस घर से निकल रहा हूँ। बस 5 मिनट में होटल तक पहुंच जाऊंगा, तकरीबन 5-7 मिनट का रास्ता है। और आज वेदर भी बहुत अच्छा हुआ। ये स्टोर है एक, यहाँ पे ज्यादा स्टोरों में ऐसे चीजें लगी होती है बाहर। तो रात को यहाँ से इन्होंने कवर करके और चले जाना होता है, इन्हें अंदर वगैरह रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर दुकानें बंद है, इधर भी पाकिस्तान की तरह संडे वाले दिन ज्यादातर मार्केट बंद होती है। अब होटल में पहुंच चुके हैं गली में। यहाँ पे सुबह का टाइम है, आराम से सुकून जैसे गलियों में। ये नॉर्मल गली है, इनकी हर गलियों में ऐसा ही होता है ज्यादातर। बस होटल में पहुंच चुका हूँ, अब बस जाके देखते हैं नाश्ता रेडी हुआ या नहीं हुआ। ये रोटी मशीन से निकालने लगे, इधर ज्यादातर मशीन है यही है रोटी निकालने के लिए। आपने जिस साइज की निकालनी है ना निकाल सकते हैं, जो भी साइज हो। जितना भी आप साइज निकालना चाहे ना, मशीन के ऊपर से छोटा बड़ा साइज जाता। अब ये पीठी लगा रहे हैं रोटी के ऊपर। अभी हम परांठों में चीज लगा रहे हैं ऊपर। जिसने खाना है आके खा सकते हैं। परांठा बस रेडी हो रहा है 2-3 मिनट में। परांठा हमारा रेडी हो चुका है, देसी घी वाला परांठा, जिसने खाना है आ जाए। परांठा रेडी हो चुका है और ये पापा बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। आ जाए जनाब, आप भी खाएं, बिस्मिल्लाह। चाय साथ पिए, साथ रहता है। परांठा हमारा रेडी हो चुका है और अब हम खा रहे हैं।
बाकी आज का भी लोग हमारा इधर होता है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट भी लोग भी मिलते हैं।